शिक्षा का हो प्रचार प्रसार, शिक्षा का हो प्रचार प्रसार, यही है इसका आधार, यही यही है इसका आधार। सबको शिक्षित करना है, सबको सबको शिक्षित करना है, बस आगे ही बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ना है। ताइक्वांडो टू, ताइक्वांडो थ्री, ताइक्वांडो फोर, स्टार्ट। वन गलत, क्या इस समय सिंगल पंच है भाई? स्टार्ट ध्यान रखना पूरा। स्टार्ट है वन, टू, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने अपने पसंद की किताबें उठाई है ना लाइब्रेरी से सारी, तो तुमने ये बताना है कि पहले तो एक किताब तुमने यही जो किताब चूज करी है वो क्यों क्यों उठाई। इतनी भीड़ में से तुम लोगों ने अपनी जो किताबें उठाई हैं, अपने पसंद की किताबें क्यों उठाई, उसका कारण क्या है, एक तो ये बताओगे। दूसरा, फिर तुमने इन किताबों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस किताब में तुम्हें क्या चीज़ नया लगा, क्या तुमने टीम किसान वेलकम यू इन द मॉर्निंग असेंबली। स्टार्ट द टैप योर फीट, टैप योर फीट। तो प्राणायाम की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राणायाम का सीक्वेंस जो हमारा आज रहेगा, सबसे पहले भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद कपालभाति, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम के बाद सीतकारी, नहीं भ्रामरी, भ्रामरी, और भ्रामरी के बाद सीतकारी। ठीक है, तो ये हम प्राणायाम आज अभी करेंगे। अब हम वज्रासन करेंगे। तो वज्रासन से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो भोजन है वो जल्दी पचता है, ठीक है, और हमारा पाचन क्षमता ज़्यादा अच्छी हो जाती है इस आसन से। यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, और यदि हम इस आसन को खाना खाने के बाद करेंगे तो हमारा भोजन जो है वो सही ढंग से पच जाएगा। इसके बाद हाथ बाहर, घुटनों के सामने, कमर सीधी, और मुंह खोल के जीभ बाहर निकालनी है, और शेर के जैसे आवाज़ निकालनी है पूरी। सिंहासन हम कर रहे हैं, स्टार्ट करो। तो अब हम धनुरासन स्टार्ट करेंगे। चलो सारे बच्चे धनुरासन लगाएंगे, धनुष की तरह आकृति बनेगी बिल्कुल इस तरीके से। चक्रासन स्टार्ट करेंगे हम, चलो स्टार्ट करते हैं, चक्रासन शुरू करो। तो अब हम भुजंगासन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करो बिल्कुल इस तरीके से, वेरी गुड। फिर वापस बिल्कुल मकर आसन की पोजीशन में, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की ओर, इसलिए वो सीधा कर देते हैं जब ना जमीन में रख के, बिल्कुल सीधा पैर सीधे कर देते हैं, हाथ सीधे कर देते हैं। तो ये शवासन में तुमने धीरे धीरे नाक से आराम भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहा। तो आज आनंदम में हम माइंडफुल टच की एक्टिविटी करेंगे। हमने अपने दोनों हाथों से अपने बॉडी पार्ट को छूना है, उस बॉडी पार्ट को जिसका नाम मैं बोलूंगा, दोनों हाथ से छूना है, ठीक है। और जो मैंने जो नाम बोला उसके अलावा कोई दूसरी जगह टच करता है तो वो गेम से आउट हो जाएगा। माइंडफुल टच है यानी कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक हमने ये गतिविधि करनी है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कान अंजलि, जो बेटा ईमानदारी से बाहर, जो गलत जगह, हाँ अंजलि यहाँ आ जाओ, अब तुम्हारे मैं और अंजलि दोनों मिलके देखेंगे। हाँ गलत हुआ था, वेरी गुड, शाबाश इसी का। पहली गतिविधि थी आनंदम में। दूसरा हमारी एक एक्टिविटी है, उसका नाम है माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल लिसनिंग में हमने क्या करना है, यही ब्रीदिंग हमारी चलती रहेगी, माइंडफुल ब्रीदिंग, और साथ में हमने
हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो जो आवाजें आ रही हैं उनको ध्यानपूर्वक होशपूर्वक सुनना है। बहुत विशेषण हमारे पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं स्लाइड में दिख रहे हैं बताओ भाई। आयुष विशेषण कितने प्रकार के हैं पढ़ो। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट का यूज कैसे करेंगे सर? जैसे मुझे ये खिलाना चाहिए, मैं मम्मी से बोलूंगी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। हाँ, मम्मा आई नीड दिस टॉय एट एनी कॉस्ट। वेरी गुड। ना ना सूट भी होना चाहिए आपको, डॉक्टर होना चाहिए। यूज सूट।